दूसरा ऑप्शन जो मैं ये एक पेज में खोल देता हूँ, ये माशाल्लाह जैसे एक पेज है। देखो अगर आपके पास एक पेज है और इसमें थोड़े से भी फॉलोअर है, फॉर एग्जाम्पल 500, 300, 200, वट एवर जितने भी है, तो आपके पास ये वाला डैशबोर्ड दिख जाएगा। देखो ये मैंने एक पेज ओपन रखा है ना, आपके पास भी एक पेज है डिजिटल मार्केटिंग वाला, आपने यहाँ पर आना है पेज पर और यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड में क्लिक करना है। ठीक है, जब भी आप इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करें तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। देखो ये कह रहा है कि लास्ट 28 डेज में 9 बंदे आए हैं मेरे पेज पर, सही है, कह रहा है कि इंगेजमेंट अभी तक नहीं हुआ, किसी ने लाइक कमेंट शेयर नहीं किया, किसी ने मेरे पेज को लाइक नहीं किया, कितने दिनों में 28 डेज में आपको ये सब चीज़ें दिख जाएगी। और भी आपको ये भी दिख जाएगा कि एक पोस्ट पर कितने रीच आए हैं, कितने एंगेजमेंट आए हैं। लेकिन अगर मैं इस तरह स्क्रॉल करता करता जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आ गया, ऑल पर मैंने क्लिक किया, सही है, अभी मैं पेज व्यू इनसाइट पर क्लिक करूँगा। और भी ये देखो, वो भी हमारे पास प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ रहा है, अभी इसी डिटेल पर भी मैं क्लिक करता हूँ। ये देखो कह रहा है कि कितने लोग आ गए, कितने एंगेजमेंट आ गए, लाइक आ गए, फॉलोअर आ गए, रिएक्शन आ गए, कमेंट आ गए, सब कुछ हमारे पास आता है। लेकिन जो मेन वाला ऑप्शन है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो ऑडियंस है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो अभी कह रहा है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे पास 100 फॉलोअर्स भी नहीं है। अगर आपके पास 100 फॉलोअर्स है या इससे ज्यादा है, ये तो आसान है 100 फॉलोअर्स लाना, सही, आपके पास 100 फॉलोअर्स आ गए, 200 फॉलोअर्स आ गए, बस आपके पास ये डैशबोर्ड दिख जाएगा। तो फिर क्या होगा, इसमें आपको फिर दिख जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग, किस कैटेगरी के लोग आपको फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ज्यादा आपको मेल फॉलो करते हैं या फीमेल फॉलो करते हैं, सही है। आपको मैं दूसरा वाला पेज दिखा देता हूँ जिसमें ज्यादा फॉलोअर, इसमें आपको फिर समझ जाएगा ये वाला पेज, ठीक, ताकि हम प्रैक्टिकली देख सकें। मैं दूसरे वाले पेज पर आ गया, अब ये देखो ये वाला पेज, अभी इसमें लोग आ रहे हैं, 159 लोग आ गए 28 डेज में, फॉलोअर्स हो गए, एंगेजमेंट हो गए। अगेन सी ऑल पर क्लिक करना है और मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर ऑडियंस में आ गया। ये देखो अभी क्या कह रहा है, मेन कितने आ रहे हैं, 62%। तो मुझे पता चल गया कि मेरे इस पेज पर ज्यादा कौन से वाले कैटेगरी के लोग आते इस हैं, पेज मेन पे आते हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट्स लगाई हैं, ये उस नहीं एडवर्टाइजमेंट का नहीं है। नहीं अगर एडवर्टाइजमेंट है वो भी आता है, लेकिन अगर आप इस तरह एक सिंपल पोस्ट लगाते हो, जिस तरह लोग पोस्ट लगाते हैं ना, अच्छा, उस पेज पर भी आएंगे। पे जो पोस्ट हाँ होती है। उसका भी आपको दिख जाएगा कि ये सारा होता है, कंबाइन होता है, एडवर्टाइजमेंट का भी होता है, पोस्ट का भी होता है। तो कंबाइन मुझे दिखा रहा है कि 62% आपके पास मेन आते हैं और 37% वीमेन आता है। तो अभी आपको अंदाजा लग जाएगा। अब जो मैं कह रहा था कि आपने मेल टारगेट करना है या फीमेल टारगेट करना है, इसके बिना पर आपको करना है। आपको अभी पता चल गया ना कि ठीक मेरा जो पेज है इस पर ज्यादा मेन आते हैं, तो मैं क्यों फीमेल का भी टारगेट करूँ, ज्यादा तो मेन आते हैं तो मेरा फायदा भी यहाँ होगा, सही। एक ये चीज हमारे पास हो गई, ग्राफ में भी यहाँ भी दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेन का ग्राफ है ना, तो देखो एज का दिखा रहा है, जो मेन आ रहे हैं 18 से लेकर 24 एज वाले आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा जो बंदे आ रहे हैं मेन, वो कितने एज के हैं, 25 से 34 एज का है। स्पेसिफाई किया हुआ है इसकी एज का, यानी ये तो नहीं दिखता ये है। खुद ही बता रहा है, और फिर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेरा जो कंटेंट है ना वो मेल स्पेसिफिक है, मेल के लिए है, तो इसलिए सिर्फ मेल आ रहा है। अगर आप फीमेल स्पेसिफिक कंटेंट बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो फीमेल के लिए भी है, मेल के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल आप कवर बेच रहे हो मोबाइल का, मोबाइल कवर तो मेल के लिए भी होता है, फीमेल के लिए भी होता है, तो दोनों आएंगे ना। मैं तो सिर्फ मेल को टारगेट कर रहा हूँ इसलिए। तो ये देखो आपको इस तरह नजर आ जाएगा। तो आपको अभी पता चल गया कि मेन ज्यादा आ रहे हैं तो मैंने मेन को टारगेट करना है। लेकिन इसके अलावा देखो सिटीज, सिटीज में कितने सिटीज को लोग आ रहे हैं, देखो ज्यादा लोग पिशावर से आ रहे हैं, दूसरे कराची, तीसरे लाहौर, फिर काबुल अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं, और फिर दूसरे कंट्री की सिटी ये बता रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पिशावर से आ रहे हैं। मैं कंट्री पर क्लिक करता हूँ, अभी देखो पाकिस्तान से ज्यादा लोग आ रहे हैं, दूसरे इंडिया से, फिर फिलीपीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सीमोर पर क्लिक करूंगा तो सारे कंट्रीज में मुझे दिख जाएगी। तो अभी इन इन पेजेस से या इन कंट्री से लोग आ रहे हैं मेरे पेज पर, देखो। और ये भी दिखा रहा है कि पाकिस्तान से 1541 लोग आ रहे हैं और इंडिया से इतने, फिर यहाँ फिलिपिन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूट्यूब, नाइजीरिया, ये सारे आपको दिख जाएंगे। तो ये एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने लोगों को आपने टारगेट करना है, किस तरह की कैटेगरी को लोगों को टारगेट करना है, और कौन सी कंट्री वाले को टारगेट करना है, कौन सी सिटी वाले को टारगेट करना है, क्योंकि अभी आपको पता है। तो शेड्यूलिंग भी आपने इस तरह दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी ये देखो, ये
प्रोफेशनल डैशबोर्ड अभी भी मुझे पूरा नहीं दिखा रहा, क्योंकि मेरे फॉलोअर इतने नहीं है इसमें। जरा आई थिंक मेरे इसमें 6,000 या 7,000 फॉलोअर है। अगर तुम्हारे फॉलोअर ज्यादा है फिर आपको ये भी दिख जाएगा कि ये जो बंदे आ रहे हैं, ये जो मेन आ रहे हैं, ये किस टाइम पर आ रहे हैं, टाइम भी आपको दिखाएगा। तो टाइम से आपको क्या फायदा होगा, यहाँ पर फिर कर सकते हो कि जितने लोग किस टाइम पर आ रहे हैं उस टाइम पर ये एड लगा। बिल्कुल अभी समझ आया? इजी।